हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा टाइगर श्रॉफ की नई मूवी के बारे में और उस मूवी का नाम है रैम्बो। दोस्तों, रैम्बो का पोस्टर लॉन्च हो चुका है और दिखने में बहुत ही जबरदस्त है। इस पोस्टर ने यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर धूम मचा दी। दोस्तों, ये टाइगर श्रॉफ की नेक्स्ट मूवी है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इस मूवी को पहले ऋतिक रोशन करने वाले थे, लेकिन ऋतिक रोशन का कोई आंसर नहीं देने के कारण ये मूवी टाइगर श्रॉफ को मिल गई। ये पोस्टर फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। पोस्टर को देख के लगता नहीं है कि ये इंडियन मूवी का पोस्टर है। दरअसल दोस्तों, रैम्बो एक हॉलीवुड मूवी है जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने काम किया था। ये पोस्टर लॉन्च होने के बाद इस पोस्टर को सिल्वेस्टर स्टैलोन ने भी देखा था। इस पोस्टर को देखने के बाद सिल्वेस्टर स्टैलोन ने कहा था कि टाइगर इस रोल को अच्छे से निभाए और ये मूवी बॉलीवुड में हिट जाए। तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के डायरेक्टर का नाम है सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ आनंद इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। सिल्वेस्टर स्टैलोन का ये रिएक्शन आने के बाद पूरी टीम बहुत ही ज्यादा खुश है। सिल्वेस्टर स्टैलोन ने कहा कि ये मूवी अच्छे से बनाए और बॉलीवुड हिस्ट्री में हिट जाए। रैम्बो की शूटिंग होगी 2018 में। रैम्बो के डायरेक्टर ने कहा है कि ये मूवी जनवरी 2018 में स्टार्ट होगी और इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 2018 के अंत में। तो दोस्तों, इस मूवी को देखनी हो तो 2018 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसे ही बॉलीवुड न्यूज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूले कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख पाए। अगर आप बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं करोगे तो मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी।